अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दें, आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ का कीमा आलू, और सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैंने इसमें घी डाला है 1/2 कप, उसको गर्म कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये 2 अदद प्याज ले ली थी, इतनी बड़ी हुई ऐसी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उसको भी चॉप कर लिया है। कीमा मेरे पास 1/2 kg है। ज़ीरा मैंने 1 teaspoon लिया है, कुटी हुई मिर्ची मैंने 1 teaspoon ली है, हल्दी पाउडर मैंने 1/2 teaspoon लिया है, धनिया पाउडर मैंने 1 teaspoon लिया है, नमक टेस्ट के मुताबिक, पिसा हुआ गर्म मसाला आप जो है वो 1/2 teaspoon ले लें, और साबित खड़ा मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 teaspoon ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को शामिल कर देते हैं। और आलू जो है वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करके बॉईल कर लिया है। हम प्याज का कलर चेंज करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें कीमा शामिल कर दूंगी, तो फ्राई कर लूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। पहले हम कीमा फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। फ्राई करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, इसको फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें ये मसाले शामिल कर दूँगी सारे, टमाटर भी साथ ही शामिल कर दूँगी, और हम इसको ऐसे चला लेंगे ताकि मसाले और टमाटर एक साथ हो जाए, कीमे के साथ मिल जाए। फिर हम इसको 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज पानी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज टमाटर अपना पानी जो है वो सोखते हैं, तो इसलिए हम जो है इस पर नहीं डालेंगे पानी। फिर आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। कम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि कीमा भुन गया है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और इसको तेज आँच पर और भूनूँगी थोड़ी देर तक आलू के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए मैं आलू के साथ इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से तेज आँच पे। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से और भूनेंगे ताकि आलू जो है वो टेस्ट हो जाए, उसके अंदर टेस्ट आ जाए कीमे का। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख सकते हैं आप कीमा आलू हमारा तैयार है, और बस अब मैं इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालूंगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। तो फिर आपसे हरी धनिया हरी मिर्ची डालने के बाद मिलते हैं। बैक व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि कीमा आलू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी एक नए दिन के साथ। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।